नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्मे सिन्हा। बिहार की राजधानी पटना की गुलाबी ठंड में रंग बिरंगी रोशनी से जगमग जेपी गंगा पथ मनोरंजन का केंद्र बना हुआ है। लोगों की भीड़, मस्ती और गीत संगीत के बीच यह इलाका आधी रात को भी जगे होने का एहसास कराता है। जी हाँ, आपको बता दें कि यह राजधानी की बदलती जीवन शैली है। रेलवे स्टेशन को छोड़ शहर रात 10 बजते-बजते शांत हो जाता था। अब इस पथ पर लोग महानगरों की तरह देर रात तक आनंद उठाते नजर आ रहे हैं, मगर इसमें एक बड़ा खतरा भी है जो सड़क हादसे को निमंत्रण देता है। देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार की राजधानी पटना में रोशनी से जगमगाती जेपी गंगा पथ ने पटना को चकाचौंध कर दिया है, मगर यहाँ मस्ती करने वाले लोगों में कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जिन्हें नियम कानून से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि नियम को तोड़ना इनकी आदत बन चुकी है। आपको बता दें कि यहाँ गाड़ियों के आवागमन में लेन का अनुशासन पूरी तरह टूटता नजर आ रहा है, जिसकी जहाँ इच्छा उधर से गाड़ी मोड़ ली, जबकि सड़क किनारे ही लोगों की भीड़ भी है। रविवार की रात जेपी गंगा पथ के रोटरी गोलंबर पर युवाओं की टोलियां थी। लोग बड़ी संख्या में परिवार के साथ भी आए थे। जी हाँ, यह बदलता पटना है। आपको बता दें कि गंगा किनारे मरीन ड्राइव की तरह बनाए गए पथ ने शहर को रात में भ्रमण और पिकनिक का एक ठिकाना दे दिया है। लोग वैन पर रूफटॉप चलंत रेस्टोरेंट का आनंद उठा रहे हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए बैटरी वाली गाड़ी भी मौजूद है। यहाँ तक कि रात में घुड़सवारी भी है। मोबाइल में हर मोमेंट के फोटो क्लिक किए जा रहे हैं, मगर इन सब के बीच सुरक्षा मानकों की कोई चिंता नहीं है। आपको बता दें कि LCT मोर से पहले सड़क पर ही कार खड़ी कर लगभग 6 फीट चौड़े डिवाइडर पर कुछ युवक नाचते गाते दिखे। इनमें से एक की बर्थडे पार्टी थी। बस फिर किस बात की देरी थी, केक डिवाइडर पर ही रख दिया गया। वहीं दोनों लेन पर गाड़ियां फर्राटे भर रही थी। करीब 1 किलोमीटर आगे बढ़ने पर भी ऐसा ही नजारा था। फिर कुछ दूर आगे बढ़ने पर निर्माणाधीन टोल बूथ के पास मेज लगाकर युवाओं की टोली बर्थडे पार्टी करते नजर आई। यहां पर फोटो सेशन और करतब करते वीडियो भी बनाए जा रहे थे। 2 लग्जरी वाहन खड़े थे, इसके अलावा 4-5 मोटरसाइकिलें भी थी। मगर इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि प्रशासन कहीं सोई हुई थी। सड़क पर एक भी पेट्रोलिंग की गाड़ी नहीं थी। आपको बता दें कि जेपी गंगा पथ को स्टेट हाईवे का दर्जा दिया गया है, इसलिए इस सड़क पर वाहन पार्किंग के लिए जगह नहीं दी गई है। पुलिस दिन में वाहनों को सड़क किनारे पार्क नहीं करने देती है, पर रात में ट्रैफिक का दबाव कम होने पर लोग सड़क पर ही गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिससे जाम की भी समस्या लग जाती है। भीड़ बढ़ते ही पूर्वी लेन का एक तिहाई हिस्सा गाड़ियों से भर जाता है। वहीं अगर देर रात की बात की जाए तो कई गाड़ियां एक ही लेन में विपरीत दिशा से आती दिखती हैं, जबकि उन्हें दूसरी लेन से जाना चाहिए। ट्रैफिक नियम का इस तरह से उल्लंघन करना किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, कैपिटल टीवी। अब सवाल ये है कि इस तरह से देर रात सड़क पर नियमों का उल्लंघन करना सड़क दुर्घटना को निमंत्रण देता है। वहीं आसपास के इलाके में देर रात पुलिस की तैनाती भी नहीं थी, यह एक बड़ा सवाल है। अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? तमाम खबरों के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी बिहार। दीजिए इजाजत। नमस्कार।